जब भगवान कृष्ण ने बलराम को हनुमान जी से बचाया। द्वापर युग में एक समय की बात है, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी में एक सुंदर वाटिका थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को वह वाटिका बहुत ज्यादा पसंद थी। उस वाटिका का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। एक समय की बात है, उस वाटिका में जब एक बहुत बड़ा वानर घुस गया और वहाँ के फलों को खाने लगा। वानर वृद्ध था, परंतु साथ ही साथ बड़ा विराट भी था। वाटिका के द्वारपाल उस वानर से भयभीत हो गए और वहां से भाग गए। उन द्वारपालों ने जाकर बलराम जी को ये सूचना दी कि कोई बड़ा सा वानर उस वाटिका के अंदर आ घुसा है और वहां के फल खा रहा है। ये वानर इतना विराट है कि आज तक ऐसा वानर देखने में नहीं आया। यह सुनकर बलराम जी को क्रोध आ गया और वह तुरंत ही उस वाटिका में पहुँच गए। उस समय उन्होंने भी उस विराट वानर को देखा और उनको भी लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं, परंतु कोई मायावी है। दरअसल वह वानर कोई और नहीं, स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे, जो श्री कृष्ण के कहने पर उस स्थान पर आए थे। बलराम जी ने देखा वह वानर बड़े आनंद के साथ वाटिका में फल खा रहा है। बलराम जी ने उस वानर से उनका परिचय पूछा, परंतु हनुमान जी ने बलराम जी को कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय श्री कृष्ण की माया के कारण बलराम जी भी हनुमान जी को पहचान नहीं पाए और क्रोधित हो गए। उसके बाद बलराम जी और हनुमान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय बलराम जी ने बार बार हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उनका हर वार विफल कर दिया। बलराम जी ने अपने सारे शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन हनुमान जी पर उनका कोई असर न हुआ और उनके सारे शस्त्र खत्म होते गए। जब बलराम जी से रहा नहीं गया तो बलराम जी ने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर करना चाहा, परंतु स्थिति को बिगड़ता हुआ देख तुरंत ही वहां पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को ऐसा करने से रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान है। तो बलराम जी को भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया। ये भी याद आ गया कि पूर्व जन्म में बलराम प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। उन्हें याद आया कि कैसे हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और रावण का संहार करने में उनकी सहायता की थी। उस समय बलराम जी का क्रोध शांत हो गया और वह हनुमान जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और हनुमान जी ने भी बलराम जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने जो भी किया ये प्रभु के आदेश पर किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम हनुमान जी को महल के अंदर ले गए और उनका बहुत बड़ा स्वागत किया।